हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि नेशनल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड NFL का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे आज आ तो गया है, और पिछली बार वैकेंसियां कम थी, इस बार वैकेंसियां अच्छी खासी। पिछली बार 2021 में वैकेंसियां कम थी, लेकिन इस बार वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी हर विभाग में अधिक अधिक है, मतलब पिछले के अपेक्षा करें इस बार अधिक है। तो इसका सेंटर कैसे भरेंगे, क्या चूज करना है, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस कटेगी, पूरा इस वीडियो में इंक्लूडेड है। और साथ में एक नोटिफिकेशन मैं ये देना चाहूंगा कि पिछले साल की जो पिछली बार एग्जामिनेशन हुई थी NFL का, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास मौजूद है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी agreeclasses573 आपको डेस्कटॉप पर दिखेगा, ठीक है। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वहां से वो इंस्टा से, फेसबुक से, कहीं से भी आप हमको फॉलो करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो NFL का फॉर्म कैसे कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा बखूबी ध्यान से देखिएगा। अगर जहां भी कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमको इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दीजिए, मैं वहां पर आपको बता दूंगा इसको यहां से इस प्रकार से आपको फिल करना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको अपना डिटेल्स भेज दीजिएगा, मैं अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सही से तरीके से भरवा दूंगा, ठीक है। बाकी करेक्शन डेट भी आएगा, और आपका बाकी जितने भी प्रोसेस होगी, NFL का एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कैसा आता है, पेपर भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि साल करा दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं डिस्प्ले पर, और वहां से सारी प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको सर्च करना है NFL रिक्रूटमेंट सर्च कर लीजिए, या फिर NFL सर्च कर लीजिए, ठीक है। NFL रिक्रूटमेंट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट दे रहा है, और दूसरा NFL रिक्रूटमेंट कैरियर पे जा रहा है। तो आइए हम कैरियर पर चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा है आपको, रिक्रूटमेंट फॉर अकाउंट असिस्टेंट इन NFL, ठीक, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन NFL, ठीक, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट के लिए इन NFL के लिए, ठीक। तो इसको देखना होगा तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको करना है, जिस भी ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच में भरने के लिए इसमें इस प्रकार से आपके सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कब से कब तक डेट है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन विदाउट किसी मिस्टेक के आप भरिएगा, करेक्शन विंडो के भरोसे मत रहें, ठीक। अब आइए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में आपको जैसे कि एप्लीकेशन आवेदन करना है, आप अपने सीट के अनुसार देख करके अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस में सीट, या फिर आप अपने जिस भी डोमेन ब्रांच से पढ़े हैं उसी ब्रांच से भरेंगे, ठीक है। NFL पर करते हैं अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ करने के ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दो तीन ऑप्शन दे रहे हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको फिल करना है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका जैसे कि इस प्रकार से कंप्लीट कर दिए हैं, तो देखेंगे इंटरफेस में कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम आपको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है agreeclasses573, ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है। आप सर्च करके हमसे जो भी पर्सनली जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप हमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं देख करके वहाँ से आपके सलूशन का बता दूंगा। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टू दी पॉइंट में। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें पूरा नेम भरना है, कौन सा नेम भरना है, जो आपके 10th के मार्कशीट पर हो वही नेम भरेंगे। 10th की मार्कशीट की DOB भरना है, मोबाइल नंबर करंट का भरना है, फिर एक वैलिड ईमेल आईडी जो वर्तमान में आपके पास चल रही है, क्योंकि जो भी NFL की नोटिफिकेशन आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर ही आएंगे। देन कैप्चा कोड ये जो दिया हुआ है, इस कोड को इसमें बगल में फिल करके आपको नीचे जनरेट OTP पर कर देना है।
करना है क्लिक। क्लियर। यहां पर देखेंगे इस प्रकार से दे रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इसको हम करते हैं ओके। ठीक है, अब इसमें ओटीपी फिल करना है। ठीक, इंटर योर मोबाइल ओटीपी, यहां पर देखिए पहले अच्छे से इसको देख लीजिए, इंटर योर मोबाइल ओटीपी, फिर यहां पर ईमेल पर जो आया ओटीपी, दोनों ओटीपी फिल करना है। एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस सपोज कीजिए, तो आप इस प्रकार से OAC@2023 या 2027 या 5, 6, 7 जो भी आपको बनाना है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से पासवर्ड आपको बनाना है नीचे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। ठीक है, तो आइए अब हम OTP फिल करते हैं। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और एक पासवर्ड जो आपने खुद को बनाया है सेम से। अब इसमें करना है आपको सिंपल सा, ये कैप्चा फिल, रजिस्ट्रेशन नंबर भर के, पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके दिन लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के उपरांत इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। और यहाँ पर आई रीड, यहाँ पर आई कन्फर्म करके हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिया है। पर्सनल डिटेल भरने के लिए, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, डिक्लेरेशन और अपलोड। ठीक है, तो अब आइए हम ऊपर से इसको सिलेक्ट करते चलते हैं, भरते हैं। ठीक है, पहले ऊपर आपके सारे डिटेल्स दिए होंगे। अब इसमें देखेंगे फादर नेम, फादर नेम भरना है, फिर आपको जेंडर चूज करना है, जेंडर आप अपना चूज करिएगा, फिर कैटेगरी आपकी क्या है, OBC है, UR है, जनरल है, SC ST है, जो भी है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कैटेगरी अप्लाई किसके लिए आप करना चाहते हैं, UR में करना चाहते हैं, यहाँ पर आप समझने के लिए बात है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर UR में सीट अच्छी है आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं UR का, तो आप UR सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मान लीजिए SC हैं तो आप अपना SC और UR कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं EWS की श्रेणी में देखेंगे तो EWS में भी सेम कैंडिडेट UR की सीट कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, दावेदारी कर सकता है। ठीक है, तो हम UR की सीट पर दावेदारी करते हैं, UR में सीट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप डोमिसाइल, आप डोमिसाइल कहाँ से हैं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, फिर इसको रीड करके आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक, क्या आप दिव्यांगता हैं, यदि आप दिव्यांग हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो। ठीक, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें को पढ़ करके आप अपना यस और नो में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इतना प्रोसेस करने के बाद हमको करना है नेक्स्ट। अब इसमें मदर्स नेम भरना है, मैरिटल स्टेटस, क्या आप विवाहित हैं या सिंगल हैं, फिर नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन रहेगा, आधार कार्ड, यहाँ पर दिया आधार कार्ड, आधार कार्ड का पूरा नंबर भरना है, फिर आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं आप इसको यहाँ पर मेंशन करना है, फिर आपका कंप्लीट एड्रेस, विलेज, पोस्ट या फिर जो भी आपका एड्रेस आप फिल करते हैं पूरा विथ पिन कोड आपको इसमें फिल करना होगा, स्टेट अपना चूज करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें फिल करना है, उसके उपरांत विलेज का नाम और नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है, फिर टिक कर देंगे, यदि दोनों एड्रेस सेम रखना है तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन भर देना चाहिए अल्टरनेट में, फिर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, रायपुर, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी, बंगलुरु, कोलकाता, इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं। इसके पहले आपका NFL दिल्ली में होता था, भोपाल में होता था, कोलकाता में होता था और अन्य अन्य जगहों पर होता था, चंडीगढ़ में होता था। इतने सारे इस बार प्रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल गए, आप अपने नियर बाई में सिटी चूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। क्लियर, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल पर चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करने का,
तो इसमें जब ऑप्शन आप देखेंगे क्वालिफिकेशन कोर्स में, तो आप देख करके घबराइएगा नहीं, इसमें दे रहा है सभी ऑप्शन, MBA, PGDBM, फिर PGDM और उसके बाद MSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर देखिए, जिस स्टूडेंट का MSc और ब्रैकेट में आपका हॉर्टिकल्चर हो, सॉयल साइंस हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, वेजिटेबल साइंस हो, वो लोग नीचे MSc पर चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक, जिनकी डिग्री में MSc एग्रीकल्चर ब्रैकेट में एग्रोनॉमी लिखा हो, हॉर्टिकल्चर लिखा हो, सॉयल साइंस लिखा हो, जो भी लिखा हो, इस प्रकार से वो लोग अपना MSc एग्रीकल्चर चूज करेंगे। क्लियर। अब जब आप MSc एग्रीकल्चर चूज करेंगे तो इस प्रकार से आपके समक्ष इंटरफेस आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन कोर्स में किस डिपार्टमेंट से हैं आप, अपना इसमें स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे जाइएगा स्पेशलाइजेशन इन माय डिसिप्लिन। अब यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है। ठीक, फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर चूज करने के उपरांत यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना है करिस्पॉन्डेंस में, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो इसमें आप फुल टाइम चूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपको ड्यूरेशन कितने साल में MSc कंप्लीट किया है, तो आपके MSc 2 वर्ष में कंप्लीट हुई है। फिर एग्रीगेट परसेंट, आपने अपना GPA को कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं कन्वर्ट कर पाइएगा तो आप हमको इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, ये दोनों मैंडेटरी है। ठीक, इसके उपरांत आपको नीचे आएंगे तो हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर फिल करना है, फिर उसके बाद 10+2 यानी इंटरमीडिएट का। तो हाई स्कूल में आप अपना साइंस भर दीजिएगा और इंटरमीडिएट यदि एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर भरिएगा, ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी ये इस प्रकार से नहीं भरना है। फिर बोर्ड अपना चूज करेंगे, ठीक है, बोर्ड अपना भर देंगे, फिर इसमें फुल टाइम चूज कर लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, हाई स्कूल 2 वर्ष का होता है तो इसमें 2 वर्ष, फिर आप अपना परसेंटेज भरेंगे, फिर उसके उपरांत आप अपना इंटरमीडिएट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, 2 वर्ष मार्क और परसेंटेज इसमें डेटा पासिंग भर के। यदि आपके पास किसी अन्य प्रकार का और भी ऐसा वैल्यूएबल लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करने का। तो इसमें जब ऑप्शन आप देखेंगे क्वालिफिकेशन कोर्स में, तो आप देख करके घबराइएगा नहीं, इसमें दे रहा है सभी ऑप्शन, MBA, PGDBM, फिर PGDM और उसके बाद MSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर देखिए, जिस स्टूडेंट का MSc और ब्रैकेट में आपका हॉर्टिकल्चर हो, सॉयल साइंस हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, वेजिटेबल साइंस हो, वो लोग नीचे MSc पर चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक, जिनकी डिग्री में MSc एग्रीकल्चर ब्रैकेट में एग्रोनॉमी लिखा हो, हॉर्टिकल्चर लिखा हो, सॉयल साइंस लिखा हो, जो भी लिखा हो, इस प्रकार से वो लोग अपना MSc एग्रीकल्चर चूज करेंगे। क्लियर। अब जब आप MSc एग्रीकल्चर चूज करेंगे तो इस प्रकार से आपके समक्ष इंटरफेस आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन कोर्स में किस डिपार्टमेंट से हैं आप, अपना इसमें स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे जाइएगा स्पेशलाइजेशन इन माय डिसिप्लिन। अब यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है। ठीक, फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर चूज करने के उपरांत यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना है करिस्पॉन्डेंस में, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो इसमें आप फुल टाइम चूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपको ड्यूरेशन कितने साल में MSc कंप्लीट किया है, तो आपके MSc 2 वर्ष में कंप्लीट हुई है। फिर एग्रीगेट परसेंट, आपने अपना GPA को कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं कन्वर्ट कर पाइएगा तो आप हमको इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, ये दोनों मैंडेटरी है। ठीक, इसके उपरांत आपको नीचे आएंगे तो हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर फिल करना है, फिर उसके बाद 10+2 यानी इंटरमीडिएट का। तो हाई स्कूल में आप अपना साइंस भर दीजिएगा और इंटरमीडिएट यदि एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर भरिएगा, ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी ये इस प्रकार से नहीं भरना है। फिर बोर्ड अपना चूज करेंगे, ठीक है, बोर्ड अपना भर देंगे, फिर इसमें फुल टाइम चूज कर लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, हाई स्कूल 2 वर्ष का होता है तो इसमें 2 वर्ष, फिर आप अपना परसेंटेज भरेंगे, फिर उसके उपरांत आप अपना इंटरमीडिएट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, 2 वर्ष मार्क और परसेंटेज इसमें डेटा पासिंग भर के। यदि आपके पास किसी अन्य प्रकार का और भी
ऐसा वैल्यूएबल लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब आपको अगले ऑप्शन में दे रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप एम्प्लॉई हैं, तो नो कर देंगे यहाँ पर। तो नो करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप नॉट एम्प्लॉय पर क्लिक कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप वर्तमान में एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपको डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, डिक्लेरेशन में आपको यस कर देना है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। काइंडली सिलेक्ट आपको डिक्लेरेशन ऊपर, आपको यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर आपको नो कर देना है। क्या आप वर्किंग हैं एनएफएल में, तो नहीं। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसमें आपको मार्कशीट अपलोड सर्टिफिकेट कह रहा है अपलोड करने के लिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको देखिए यहाँ पर, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जगह पर आपको 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अपलोड करने का, फिर MSc एग्रीकल्चर की सर्टिफिकेट और MSc एग्रीकल्चर की मार्कशीट दोनों इसमें अपलोड करना है, उसके बाद आपको कर देना है फिनिश। अब आपको इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट डिटेल चेक कर लेना है कि सभी के सभी अपलोड सक्सेसफुली हो चुके हैं या नहीं। यदि सब कंप्लीट हो गया देन हमको कर देना है फिनिश। फिनिश पर जैसे करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यदि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो इसमें अभी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भली बात आप चेक करने के उपरांत आपको कर देना है यहाँ पर क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस में अपना पूरा एड्रेस भर देना है, कहाँ से आप अपना इसको प्लेस में करना है। फिर आपको कर देना है सेव एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन आपका सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, एप्लीकेशन आपका सेव हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे हम। और यहाँ से आपका देखिए फीस कितना कट रहा है, फीस आपका 700 रुपीज़ का चार्जेस कट रहा है। अब यहाँ से भाई आप QR स्कैन QR करके आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।